बड़ी खबर आ रही है सेनवा से, जहां रेस से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोग घायल हो गए, वहीं एक युवक की मौत हो गई सनसनीखेज घटना में। जो घायल है उनका अस्पताल सेनवा के निजी अस्पताल में उपचार जारी है। ओवेस अहमद ज्यादा अपडेट के साथ फोनलाइन पर हमारे साथ मौजूद है। ओवेस, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, बताना चाहूंगा कि ग्राम कुंजरी के पास एक रेस के बाद ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर मोटरसाइकिल सवार को बचाने में पलटा, जिसमें से 3 लोग घायल, वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई। जो मृतक का नाम अनुज बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 19 वर्ष है। वहीं 3 लोग घायल हैं, जो घायलों में 2 को नाबालिग बताया जा रहा है। वहीं एक कहना निर्गुड़े जो सिलदा का निवासी 20 वर्षीय वो घायल है। 3 का सेनवा के निजी अस्पताल में उपचार जारी है। घायलों की स्थिति क्या है ओवे जी? जी देखिए, घायल की स्थिति की बात की जाए तो घायल के चोट जरूर आई है, फ्रैक्चर जरूर हुए, लेकिन कोई गंभीर स्थिति नहीं बनी हुई है घायल की फिलहाल। अभी आपने बताया कि 2 लोग नाबालिग है घायलों में, तो ये रेस से भरे ट्रैक्टर पर ये लोग नाबालिग मौजूद थे, क्या कर रहे थे, इस पे भी एक सवाल है, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई? जी हाँ, परिजन से बात करिए तो उसमें एक सोवालाल नाम बालक है, वो बताया जा रहा है कि वो तो ट्रैक्टर के ऊपर से गुजर रहा था, जब उस समय घूमने गया था उस समय हादसा हुआ और ट्रैक्टर में दब गया है हादसे में। वहीं हीरालाल उस समय वो घटनास्थल पर क्या कर रहा है, बात में कोई स्पष्ट नहीं हुआ अभी तक। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा ओवेस अहमद ने हमें बताया कि दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां एक व्यक्ति की जान गई, वहीं 3 लोग घायल है। घायलों का उपचार सेनवा के निजी अस्पताल में चल रहा है। घायलों में को फ्रैक्चर हुए हैं, लेकिन गंभीर स्थिति नहीं है उनकी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।